बताया था आप लोगों को इंस्टाग्राम में कि मैं आज धमतरी जाने वाला हूँ गंगरेल डैम ट्रिप, तो आप सभी मिलना चाहते तो मिल सकते हैं। वैसे तो हमारा प्लान था कि सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाएं, लेकिन क्या बताएं गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब बिट्टू का बताइए, मतलब टॉयलेट वाला प्रॉब्लम हो गया, भैया उठने नहीं पाया है। और मतलब तन्नू स्वीटी तो भैया एकदम 4 बजे उठ गए ऐसे बोल रहे थे, अब पता नहीं, अब भाभी का तो प्रेडिक्शन है कि उन्होंने झूठ मेरे को टोपी पहनाया ऐसे बोली, पर अब देखते हैं जाके अब क्या होता है गाइस, यू नो व्हाट ना। पर अब निकल गए हैं तो हम सोचते हैं चलिए जाएं, पर बिट्टू कह रहा है कि मैं जोरा में ही उतर जाऊंगा बोरा लेकर। पर कोई बात नहीं गाइस, हम लोग कोशिश करेंगे जाने का और आप लोगों को दिखाएंगे धमतरी गंगरेल डैम का अच्छा अच्छा सीन, मिनी गोवा भी जिसको बोला जाता है, जहां पर मैं शायद हो सके तो मैं पानी में कूदने का भी प्रयत्न करूंगा, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो पाए ऑस्टिन रियान को भी लेके मैं डूब जाऊंगा गाइस। ठीक है, भाभी बहुत खुश लग रही है क्योंकि हम लोग निकल चुके हैं रास्ते में, तो अब इस वक्त खुशी का माहौल है गाइस, तो फिर इस खुशी का हम लोग आनंद लेते हैं। भैया गाना लगाइए, नगपुरिया गाना। बहुत सालों के बाद फाइनली जोरा में एंट्री किया हूं गाइस, ये जोरा है देख सकते हैं भैया बीटू, ये सारे लोग हैं यहां पे। आफ्टर द डिकेड आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड दिस जोरा टाइम। इस जोरा की गलियों में रोड तो एकदम चकाचक बना दिए हैं गाइस एकदम, नहीं तो पहले तो उबड़ खबड़ रहता था, एकदम गमकते रहता था। ठीक है, यहाँ पे पीछे तक भूल ना जाना, केक ले जाना, क्या क्या लिखा हुआ है। उधर हमारा आईजी के भी यूनिवर्सिटी है, उधर जाएंगे तो, बट अभी नॉट डन येट। अभी मैं मिलाने जा रहा हूँ जोरा का फेमस इंसान रुपेश पैकरा से। तो रुपेश पैकरा कैसा लग रहा है इतने सालों के बाद मुझसे मिल के? मेरा ब्लॉग देखते हैं कि नहीं आप? देखते हैं ना, कैसा लगता है मेरा ब्लॉग देख के? आज के ब्लॉग में आप भी रहेंगे तो आपको कैसा फील हो रहा है? आप मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे ब्लॉग में आ गए। अच्छा फील हो रहा है। ओके ओके गाइस, हम लोग अभी मिलाने जा रहे हैं लवांगिका तिवारी, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड यू नो व्हाट आईजी के भी की पीआर, और क्या ही बोले इनके बारे में, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। आज के ब्लॉग में आप आएंगे, कैसा लग रहा है आपको? पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं आप। ओह माय गॉड, आप मेरे लिए इतने दूर से स्कूटी चला के आई। तो गाइस कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जूनियर ऑस्टिन भैया भाभी। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे आए हैं। देखिए, हेलो अंकल, इशू सर है। हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं इस वक्त, देखिए तन्नू होगी इधर गाइस। हेलो तन्नू, व्हाट द डे। कैमरा थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया है। इशू सर आंटी कैसे हो आप? बहुत सुंदर लग रहे हो, पहले से ज्यादा गोरे हो गए आप तो। ओह माय गॉड, स्वीटी कहाँ गई? स्वीटी तो अभी मुझे तन्नू अपना जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जो केक बचा था उसको खिलाएगी गाइस, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मुझे केक खिलाएगी तन्नू। ये बैठी है, इसका नाम है स्वीटी, मेरे कैमरे के सामने जो है वो है तन्नू। तो आई विल डिस्क्राइब टू यू जस्ट बिफोर। भैया बताइए कैसा लग रहा है आपको गंगरेल डैम आके? इतना अच्छा मत पूछो, एकदम मस्त केक है। अंकल आप भी बताइए कैसा लग रहा है, आप भी गंगरेल डैम हमारे साथ आके? वैसे तो कोई खास प्लान नहीं था, पर अनफॉर्चुनेटली आपको भी हमको लाना पड़ा। मेरा हाथ कांप रहा है थोड़ा थोड़ा, जाना है तो चलो जल्दी। अब क्या करें गाइस, थोड़ा हालत वाला। चलो अब तन्नू का बर्थडे हम दिखा देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओके उधर देखो थोड़ा सा। हां थैंक यू थैंक यू। इतना बड़ा कौन खिलाता है? अब खाओगे ना केक के? बोल रहे थे कल वो मालूम वाकर सेफ्टी के को मालूम। थैंक यू सो मच तन्नू फॉर दिस लवली केक। अपन ही पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। मैं पर्सनल शिक्षक जा रहा हूँ, कुछ समझ जाऊंगा। ऐसे ही तरक्की करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना और मम्मी पापा का नाम एकदम से रोशन करना। ठीक है? हाँ ठीक है। ओके और खिलाओ। बहुत अच्छा लगा। तो गाइस अभी हम लोग तन्नू स्वीटी लोग को उठा लिए हैं, स्वीटी है मेरे साथ और पीछे पीछे और तन्नू अंकल आंटी सब कोई आ रहे हैं, तो सभी कोई मिल के एक साथ अभी हम लोग जाएंगे गंगरेल डैम, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है गाइस ब्लॉग, क्योंकि हमारे साथ तन्नू स्वीटी भी हैं। आज बड़े सालों के बाद हम लोग मिले हैं गाइस।
तो इसी के साथ बहुत ही मजा आने वाला है। तो कैसा लग रहा है आपको अपने ऑस्टिन भैया से मिलके, बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ बोलना चाहेगी? सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बस शेयर कर दो। ओके ओके, तो अभी मैं मिलाने जाता हूँ मेरी तन्नू सिस्टर से, जिनका जन्मदिन था। जन्मदिन के उपलक्ष पर आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप तो आए थे। हाँ तो ठीक है, अभी तो आया ना। तो कैसा लग रहा है अपने भैया से इतने सालों के बाद मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अभी जाके बहुत मस्ती करेंगे। हाँ तो आपके भैया, और क्या मैं बोलूँ इसके बारे में, आपके भैया बहुत हैंडसम है, सबके बारे में कुछ कुछ और बता दीजिए। मैं हैंडसम नहीं हूँ? अरे बहुत बहुत हैंडसम। हाँ तो अपने भैया के लिए भाभी अभी चाहिए तो सब भी मांग कर लो। आप तो खोज के रखे? कहाँ से मैं खोज के रखूंगा? तो फिर भाभी है तो मतलब, और कुछ कुछ बोलिए सबको, भूल जाइए। अगर शादी में भी आप बुला रहे थे गर्ल, शादी? हाँ तो अपना शादी, मेरा कहाँ शादी? अरे अभी हाँ, तो कैसी भाभी चाहिए आप लोगों को? हाँ जैसे भी चलेगी। जैसे भी चलेगी, क्या चलेगी? हम लोग बहुत सारा खाना खिलाने वाली भाभी। हाँ तो गाइस अभी पीछे से आ रही है आंटी तो मैं आंटी से भी कुछ बात करूंगा। गाइस कैमरा में देख रही है, उधर रुकिए रुकिए, एक खेल मत देना रे। हाँ आंटी, तो आपको कैसी बहुरिया चाहिए आप बता सकते हैं? बताओ मम्मी, मम्मी नहीं आना चाहती। थोड़ा शर्मा रही है गाइस आंटी। तो गाइस वेल डेवलप कंट्री ऑल्सो, तो अभी हम लोग है रायपुर, रायपुर से निकलेंगे गंगरेल डैम धमतरी की ओर। जैसे कि मैंने स्टोरी लगा दिया था तो जिनको जिनको मिलना होगा वो लोग मिल लेंगे गाइस, इसका बहुत ही आनंद करने वाले हैं गाइस, बहुत मस्ती करने वाले हैं। हाँ बहुत धूप भी लग रहा है, तो चलिए फिर चलें हम लोग, स्टार्ट करते हैं अपना गंगरेल डैम ट्रिप। बाय गाइस। गाइस हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा भीड़ होगा, जिधर देखिए उधर ही। अच्छा संडे है ना, इसी वजह से इतना भीड़ है, संडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गंगरेल डैम। क्या तो गाइस हम लोग गंगरेल डैम पहुंच गए हैं, चलते चलते जा रहे हैं तन्नू स्वीटी के साथ। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, जैसा हमने उम्मीद भी नहीं किया हुआ था। पिछले बार आए थे पर इतना नहीं था भीड़, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा है। पर संडे होने की स्थिति के कारण हॉलीडे में ज़्यादा भीड़ होता है। कैसे स्वीटी, कैसा लग रहा है आपको आके? आपको बहुत मजा आ रहा है। हाँ आपका बर्थडे के लिए सरप्राइज गिफ्ट हो गया आपके। हाँ देखिए फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मिनी गोवा, ठीक है गाइस। इसको गंगरेल डैम भी कहा जाता है, गंगरेले डैम है एक्चुअली में। बट ये देखिए कैसे पगडंडी रास्ता में हम लोग चलते चलते जा रहे हैं। उधर देखिए आप लोग को पानी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है गाइस। गोवा जैसे नहीं लग रहा होगा लेकिन मान लीजिए कि गोवा ही है, ठीक है। आगे रिजोर्ट वगैरह भी बहुत सुंदर सुंदर दिखाएंगे। देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन वेडिंग लाइक दैट, सो ब्यूटीफुल वेदर एंड ब्यूटीफुल कंडीशन एंड वाटर इज द सो ब्यूटीफुल, ब्लू इज स्काई एंड ब्लू वाटर, ओ माय गॉड अमेजिंग। ये तो झाड़ी आ गया गाइस, इसको क्रॉप करके आगे दिखाता हूँ मैं। ये देखिए सीधा जा सकते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर खा सकते हैं गाइस कुछ कुछ, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर जगह हैं, ओ माय गॉड, बहुत ही दूर दूर से दर्शक यहाँ पर आए हुए हैं देखने के, ओ माय गॉड अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। और ऑस्टिन रियान कैसा लग रहा है आके? इधर देखो कैसा लग रहा है, इसका तो मुंह लटक गया है गाइस, बट कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, और क्या बात, इनको भी मजा आ रहा है गाइस। स्वीटी भी ब्लॉग कर रही है गाइस गोवा में आके। आपको अच्छा लग रहा है मिनी गोवा? और लोगों से रिव्यू लेते हैं गाइस। भाभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आंटी, हेलो आंटी, आंटी तो फॉरेनर लग रही है गाइस। हाँ लग रहा है गोवा में, मतलब कुछ लोग फोटो खिंचाने मत आ जाएं। अन्नु भैया कैसा लग रहा है? तन्नू व्हाट अ डे ना, मजा आ गया। ये वाला टोपी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं आंटी के पास से, क्योंकि बहुत ही सुंदर टोपी दिख रहा है। हो गाइस पानी ही पानी, मन कर रहा है कूद जाऊं मैं, लेकिन यहाँ पे कचरा कचरा दिख रहा है गाइस। ओहो गजब का हंसी, मुझे भी हंसने का मन कर रहा है। वाव, बस इतना ही पानी देखना था गाइस।
सुकून मिल गया। नहीं नहीं करते फाइनली पहुंच गए यहाँ पर, लेकिन इतना भीड़ देख के हम लोग भी अकबका गए हैं। अब कैसे करने वाले हैं अब देखते हैं गाइस, अब देखना पड़ेगा। बट समटाइम्स यूजुअली यू कैन डूइंग दैट, बट दिस टाइप ऑफ बालू देखिए रेत ही रेत है, मतलब पूरा गोवा वाला पूरा बनाया गया है गाइस। इज द लाइक दैट मिनी गोवा, समटाइम्स पीपल आर द अराइविंग एंड कंटिन्यूअसली, दैट इज द माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट इतना ज़्यादा पानी में बोटिंग हो देखते हुए मुझे भी करने का मन कर रहा है, पर क्या बताऊँ गाइस, मिनी गोवा में आपका स्वागत है फिर से एक बार। देखिए गजब का खतरनाक यहाँ पे बोटिंग होता है गाइस, जिस प्रकार से वो हिसाब से वो आदमी दौड़ा रहा है ना, किसी महिला या पुरुष को दौड़ा के, मेरा तो पादे निकल जाना था और हग डे से पहले हग्गू निकल जाना था। तो गाइस इस टाइप का बोटिंग हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा देख के लग रहा है, बहुत ही खचाखच एकदम भीड़ एकदम भरा हुआ है। पाँच तो ये सब देखिए एकदम से नज़ारे एकदम ब्यूटीफुल है, देखिए लोग एकदम मतलब गोवा वाला फील ले रहे हैं। ठीक है तो कम बजट है भले, लेकिन गोवा वाला पूरा फील आता है, पूरा आनंद की एकदम प्राप्ति होने से कोई रोक नहीं सकता ऐसे वाला। और ऑस्टिन रियान का तो क्या कहना गाइस, ये तो इतना खेलने में व्यस्त है ना गाइस, इसके जैसे इंजॉय तो हम लोग भी नहीं किए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है देख कि इंजॉय यही करने आए, हम लोग तो करने ही नहीं आए हैं। तो देखिए गाइस तो इंजॉय करना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करें, बड़े हैं तो बड़े टाइप से हैं, नहीं तो हम लोग भी कूद जाते, शायद अन्नू भैया भी जब बच्चे रहे होंगे तो कूद जाते होंगे ऐसे ही। पर कोई बात नहीं गाइस, देख रहे हैं कैसा इंजॉय कर रहा है, इंजॉय क्या कर रहे, तो काम कर रहा है, यहाँ का साफ सफाई कर रहा है। बेटा अगले बार से मैं भूपेश काका से दरख्वास्त कर दूंगा कि साफ सफाई की जिम्मेवारी ना गंगरेल डैम का तुम ही को दें, ठीक है। रियान रियान ऑस्टिन रियान, अरे ठेसा ठुसू के मत गिर जाना, ठीक है, नहीं तो फिर लेना का देना हो जाएगा। खाया पिया कुछ नहीं, कब थोड़ा बार आना है। अरे बाप रे, इतना ज्यादा मेहनत नहीं करते बेटा। ओ दे देखो बेटा, ओ दे, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ गाइस क्योंकि जा नहीं सकता। अरे भाई क्या माहौल है, हमने भी सोचा था कि करेंगे बोटिंग, लेकिन क्या करूँ, इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, इतना लाइन लगा हुआ है कि हमारा जब तक नंबर आएगा तब तक शायद लगता है नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, तो अगले साल तक हम इंतजार नहीं कर सकते। 2022 में हमने सोचा कि बोटिंग करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं अब कैसा नज़ारा, तो है बहुत मन कर रहा है कि बड़ा वाला में बैठे, ठीक है, लेकिन अब जैसे भी हो देखते हैं गाइस, अब माहौल तो बन नहीं रहा है, अब देखते हैं कहीं आनंद ले रहे हैं, अब क्या करें। तो स्वीटी आपको बोटिंग करने का मन नहीं कर रहा है क्या? मन कर रहा है पर पैसा नहीं है। क्या पैसा नहीं है? पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है हमारे पास, समय कीमती है समझी। हाँ पैसा बहुत है, ठीक है, तुम्हारे ब्लॉगर भैया के पास बहुत पैसा है, अब भी ले जाके कर देंगे ना, तुरंत हमारा हो जाएगा बोट, अभी तुरंत खरीद लेंगे, लेकिन चलाएंगे कहाँ, ठीक है, रायपुर में कहाँ पानी है, ठीक है। वैसे कोई बात नहीं गाइस, हम भी अपने घर के पास ऐसे ही एक डोबरा बनवाऊंगा, एक तालाब बनवाऊंगा, वहीं पे एक नाव खरीद के वहीं पे चलाऊंगा गाइस। अगर उतना पॉसिबल नहीं हो पाया तो कम से कम कागज वाला नाव बना के तो चलेबे करूंगा गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को भी जरूर बुलाऊंगा, बोटिंग कराऊंगा, एकदम से माहौल दिलाऊंगा। तो गाइस इट वॉज द वेरी डिफिकल्ट टू मी, बट वाटर इज द सो मेनी काइंडनेस ऑफ द ब्लू वाटर, सो आई वुड बी लाइक टू थैंक टू एवरीबडी एंड अन्नू भैया से हेलो। से हेलो अन्नू भैया, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा, आप ही ने हमें लेकर आया है, बहुत ही मजा आ रहा है, पानी में घुस नहीं पा रहे हैं। हाँ यही तो दिक्कत है हमें। हाँ रियान का क्या बताऊँ भाई, जलवा तो इसी का है, ठीक है, पूरा मिट्टी से खेल खेल के माहौल बना रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आज ऐसा लग रहा है कि पूरा गंगरेल डैम को ये मिट्टी से भर देगा आज। देख रहे हो गाइस, देखना ना ये बच्चा या बच्ची कोई तो है, ठीक है, बच्ची को ऐसे करके तैरवा रहा है, लेकिन ये जो बोटिंग वाले हैं ना गाइस गजब का करते हैं। लड़के लोग रहते हैं ना एकदम सिंपल सिंपल लाके खड़ा कर देंगे, लड़की लोग रहेंगे एकदम घुमा फिरा के एकदम कट मारते मारते रोकते हैं, ठीक है, माहौल इनका भी गजब है गजब है, ठीक है। और ऑस्टिन रियान, ऑस्टिन रियान ए हगरा देख इधर, पूरा यार तू यहाँ का कचरा निकाल रहा है, कचरा वाला है। हाँ कोई बात नहीं गाइस, ये काम करने में बिजी है। अब हम देख लिए यहाँ का डैम, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा पानी था एकदम बहुत दूर दूर तक, मजा ही आ गया। अब जा रहे हैं हम लोग गार्डन, ठीक है, गार्डन जाने के बाद इसके बाद हम लोग चले जाएंगे घर वापस से रायपुर, रायपुर के बाद तिलदा नेवरा, तिलदा नेवरा के बाद खा पी के फिर सो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गार्डन की ओर, तो गार्डन की ओर जाने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा सामने की रिजॉर्ट,
जो कि बनाया गया है काफी सुंदर। ये इधर का रिजोर्ट है, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन इसलिए धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि तेल लग गया होगा कैमरा में। ओके, रिजोर्ट खूबसूरत तो बाहर से दिख रहा है लेकिन अंदर से पता नहीं कैसा होगा, लकड़ी का बना हुआ रिजोर्ट है। ये देख क्या खरीदा रहा है भाई, ऑस्टिन के लिए गाड़ी खरीदा रहा है। यहाँ पे गाड़ी देख रहे हैं हम, नया के पूरा दुकाने खरीद के लेके जाएगा। हाँ हाँ, सबको ले लेंगे, सबको ले लेंगे, हाँ सबको लेंगे। कितना करें गाइस, गंगरेल डैम घूमने आए थे, पूरा गाड़ी का पूरा खजाना खरीद के यहाँ पे लेके जा रहा है ऑस्टिन। ये देखो कितना सारा गाड़ी खरीद के जा रहा है। अरे भाई इतना खुश, हमारे जमाने में तो हम लोग टायर को गाड़ी बना के चलाते थे, इनके लिए देखिए कितना सारा गाड़ी लेके जा रहा है। एक थे गाड़ी अगर ऐसे खरीद भी लेते तो फिर तोड़ के फेंक देते थे, बट कोई बात नहीं गाइस। पार्क में उतना मजा नहीं आ रहा है, नहीं आएगा ऐसा लगता है, इस वजह से कैंसिल करते हैं और हम लोग चलते हैं रायपुर की ओर। बाय बोल दीजिए। बहुत मजा आया यहाँ पर आके, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आंटी, बहुत मजा आया यहाँ पर आके, बहुत मजा आया, हाँ बहुत ही आनंद किए, बहुत ही जॉयफुल रहा। इट वॉज द वेरी डिफिकल्ट टू मी बट इजी टू अंडरस्टैंड। यशवंत लकड़ा को हमने जोरा में बोरा लेके फेंक दिया था, तो जोरा में बोरा फेंकने के बाद इसके बाद हमने प्लान बनाया कि उसको छोड़ छाड़ के हम लोग जलते हैं स्वीटी लोग के यहाँ, तनु लोग के यहाँ, वहीं पे टीवी, बड़ा वाला टीवी देखेंगे, इसके बाद वहीं रहेंगे ऐसा सोचे, खाना पीना खा के फिर निकल जाएंगे तिलदा, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर अचानक से प्लान बना कि चलिए, अंकल भी रेडी हो गए, फिर आंटी को मनाने में क्या ही टाइम लगता, दो मिनट में एकदम चटपट तैयार होकर एकदम पूरा हम लोग निकल के आ गए थे। बट फाइनली यहाँ पर देखे, भले हमको क्या बोटिंग करने का मौका नहीं मिला पर आनंद बहुत अच्छा लगा, हमें आनंद आया, और दोबारा फिर आएंगे तो फिर बोटिंग करेंगे। संडे वाले दिन था, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ था, ये मैं बार बार इस टॉपिक को ला रहा हूँ क्योंकि था भीड़। तो चलिए फिर चलते हैं, अब आगे जाने का समय, चलिए गाइस, बाय बाय। ओके ब्लॉगिंग एंड, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, बाय, निकलो।